साफ सुथरा को इंग्लिश में कहते हैं नीट एंड क्लीन। नीट एंड क्लीन में साफ सुथरा। मेरी माँ घर को साफ सुथरा रखती है। माई मदर कीप्स द हाउस नीट एंड क्लीन। हमारी पोशाक हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। आवर ड्रेस शुड ऑलवेज बी नीट एंड क्लीन। आवर ड्रेस शुड ऑलवेज बी नीट एंड क्लीन। हमारी पोशाक हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। अब साफ सफाई का इंग्लिश होता है क्लीनलीनेस। क्लीनलीनेस यानी साफ सफाई, स्वच्छता भी बोल सकते हैं। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस यानी स्वच्छता जो है ईश्वर की भक्ति से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ईश्वर की भक्ति से बढ़कर है स्वच्छता, या स्वच्छता में ईश्वर का निवास स्थान होता है। क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। नीट एंड क्लीन में साफ सुथरा और क्लीनलीनेस का मतलब साफ सफाई। सीखते रहिए। फेसबुक पेज पर हैं तो फॉलो करें, यूट्यूब पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह के वीडियोज के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।